सर लंगर में दिखा दीजिए भक्तों को क्या क्या है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं केदारनाथ के लिए तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं सोनप्रयाग में। ये है पूरी पार्किंग। यहाँ पे आके हर एक यात्री को अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा या कराना होगा। अगर ऑफलाइन भी कराते हैं तो भी यहीं से होगा। श्री केदारनाथ यात्रा जो है वो 25 अप्रैल 2023 से शुरू हो रही है, तो ज़रूर आप उसके लिए आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है बाबा की यात्रा का। इस समय सच में बहुत ज़्यादा ठंड है तो बहुत अच्छे से कपड़े लेकर आने होंगे, अन्यथा यात्रा पे सच में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे देखिए बना है सोनप्रयाग का बस स्टैंड और ये प्यारी सी नदी देखिए पूरे ही रास्ते में आपके साथ रहने वाली है, जिसको मंदाकिनी नदी कहते हैं। और आप महादेव के द्वार तक जाते हैं, केदारनाथ के द्वार पर पहुँचते हैं, जब मंदिर तक पहुँचते हैं तब भी आपको ये नदी देखने के लिए मिलती है। और इस समय देखिए मौसम इतना ख़राब है कि बारिश शुरू हो चुकी है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं केदारनाथ के लिए तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं सोनप्रयाग में। ये है पूरी पार्किंग, देखिए ये पूरी पार्किंग है। यहाँ पे कितनी बड़ी पार्किंग देख सकते हैं आप सोनप्रयाग में मिल रही है आपको देखने के लिए। और यहाँ पर एक बारी में हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और लगभग जो एक फोर व्हीलर है उसका जो किराया है लगभग 100 से 150 रुपये पर डे है, और टू व्हीलर का किराया अगर आप देखेंगे तो वो है लगभग 50 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको पार्किंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सोनप्रयाग में भी लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और होटलों पे धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है और इस बार यहाँ पे पोनी का प्रीपेड काउंटर भी यहाँ पर बना दिया है। जो घोड़े की पिट्ठू पालकी होगी ना उसका रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा, तब आप आगे जा पाएंगे। यहाँ पे आपका आ गया यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर। जितने भी यात्री आएंगे इस काउंटर पर आने वाले हैं सोनप्रयाग में, जैसे आप पहुँचते हैं यहाँ पे आपको गाड़ी या बस उतार देगी। उसके बाद यहाँ पे आके हर एक यात्री को अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा या कराना होगा। अगर ऑफलाइन भी कराते हैं तो भी यहीं से होगा। और पूरी मार्केट देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से पूरी मार्केट बनी हुई है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड पड़ता है 7 किलोमीटर, जिसके लिए आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाती है। इसी रास्ते से आपको गौरीकुंड के लिए जाना होता है। ये देखिए जैसे कि गाड़ी जा रही है तो ये भी गौरीकुंड के लिए ही जा रही है। सोनप्रयाग में अगर आप रुकना चाहते हैं तो ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये है GNBN का गेस्ट हाउस। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री मिल जाते हैं, रूम्स मिल जाते हैं, जो कि GNBN की वेबसाइट से आप बुक भी कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं रुका हूँ, लेके चलता हूँ आपको अंदर, दिखाता हूँ कैसा है गेस्ट हाउस, क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आप सस्ते रेट पर रुकना चाहते हैं तो GNBN की वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सोनप्रयाग में साथ ही गौरीकुंड में डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल जाएगी, रूम की व्यवस्था मिल जाएगी, जिसकी रेट लिस्ट आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा किफायती होता है, सरकारी संस्था द्वारा इसको चलाया जाता है। हर महादेव, ये देखो भाई लोग यहाँ पे मिट्टी हटा रहे हैं, पानी रुक जाता होगा ना यहाँ पे। बाबा के दर्शन कब करने जाओगे? 24 तारीख को जाओगे, क्या बात है। अच्छा 25 को वापसी, घर वापसी, फिर अमरनाथ जाओगे। ये देखिए भाई सोनप्रयाग में यहाँ पे सारे टेंट वगैरह उड़ गए हैं सारे, इतनी ज्यादा आंधी चल रही है और बहुत ज्यादा इस समय ठंड है सोनप्रयाग में। देख सकते हैं सोनप्रयाग की पार्किंग है पूरी, और यहाँ पर लगे हुए ये भंडारे भक्तों के लिए, जो भी भक्त आते हैं महादेव के दर्शन के लिए, यात्रा के लिए, उनके लिए यहाँ पे भंडारे लगे हुए हैं। देखिए जी दिल्ली वालों का भंडारा है यहाँ पे 23 अप्रैल से 25 मई तक, लगभग 35 दिन ये चलेगा। और 30 जून को श्री अमरनाथ यात्रा पर भी है तो वहाँ पे भी मुझे जाना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है लोगों की, और भंडारे अंदर लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे भक्तों के लिए लंगर है, देखिए भक्त यहाँ पे लंगर चख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए लंगर लगा है। जय बोलेगी सर, जय बोलेगी सर। लंगर में दिखा दीजिए भक्तों को क्या क्या है। लंगर में फिलहाल तो अभी स्टार्टिंग है। अच्छा स्टार्टिंग है, चावल है। ओके आज कढ़ी चावल है लंगर में, तो कढ़ी चावल और रोटी है। तो कितना पुण्य का काम है, इतनी ऊंचाई पे आपको सोनप्रयाग में ये भंडारा मिल रहा है। और कुछ भंडारे आपको ऊपर भी मिलते हैं बाबा के धाम के पास में, तो बहुत अच्छा है ये व्यवस्था कम से कम उन भक्तों के लिए जो कि यात्रा पर आते हैं और समर्थ नहीं है ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए। देखिए हवा
हवा बहुत ज्यादा चल रही है। यहाँ पर भी चलते हैं, थोड़ा सा अंदर देखते हैं सोनप्रयाग में। ये देखिए व्यवस्था है भक्तों की रुकने की। तो इसका शुल्क है कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या बात है। देखिए यहाँ पे भी देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था है भक्तों के लिए रुकने के लिए। कितनी बढ़िया व्यवस्था, मतलब मैं कहूँगा यहाँ पर देखिए निःशुल्क आपको रुकने की पूरी व्यवस्था मिल रही है। यह है सोनप्रयाग की पार्किंग, जिसमें आप यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी देख पा रहे हैं, खाने की व्यवस्था भी है, यानी कि लंगर भी है। ये देखिए जी कितना बड़ा तावा लगा हुआ है यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, और ये सभी लोग रोटी बनाने के लिए बस यहाँ पर सिर्फ रोटी बनाते हैं, सिर्फ रोटी बनाते हैं। क्या बात है, जय बोलेगी। ये किचन स्टाफ है यहाँ पे, क्या बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जानकारी जो आपको मिली होगी उससे आपको मदद मिलेगी और आप यात्रा कर पाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं महादेव की यात्रा पर, तब तक के लिए हर हर महादेव।